मैम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। भरत के बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज आई है, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दूं। ये तो मैंने बताया था कि मुंबई में इसकी शूटिंग चालू थी और मुंबई का जो शेड्यूल था, जहां तक जो सर्कस का बहुत ज्यादा सीन और ये शूट होना था इस फिल्म में, वो शूट होकर करीबन एक हफ्ते में रेबलेट हो चुका है। मैं वहां पे गया था, देखा तो पूरा अभी साफ सफाई हो चुकी है, यानी कि उधर के क्या बोलते हैं वो सेट्स तोड़े जा रहे हैं, यानी कि खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कल मैंने ये अपडेट पता चली मुझे कि सलमान खान पहुंच चुके हैं पंजाब और उनके जो प्रोड्यूसर है अतुल अग्निहोत्री, वो हर एक चीज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करते ताकि सलमान के फैंस हर चीज जानकारी ले सके। और आप भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो भैया अतुल अग्निहोत्री को तो जरूर फॉलो करिए, वो बहुत ज्यादा जानकारी दे रही है इस फिल्म से जुड़ी हुई। और बड़ी बात यह है कि आज लुधियाना में यानी पंजाब में सीधी सी बात है इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अब यहां पर बता दो करीबन 8 से 10 दिन यहां पर शूटिंग होगी और वाघा बॉर्डर क्रिएट किया गया है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीन होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ फिल्माया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज है कि कैटरीना कैफ और सलमान खान के भी सीन्स होंगे। किस तरह के सीन्स होंगे वो उसके बारे में थोड़ा सा यही बता सकता हूँ कि ये उस वक्त की बात होगी। देखिए जब वो जाते हैं ऑयल कंपनी में काम करने, जिसे हमने कुछ फोटोज में देखा वहां पर, उसके बाद प्यार वगैरह जो होता है वहीं पे होता है आई थिंक। उसके बाद वापस वो आ जाते हैं फिल्म, ओरिजिनल फिल्म तो ऐसे ही, उसके बाद लड़की अपने भाग के आती है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे आया, उसके बाद यहाँ पे शादी कर लेती है इनसे। तो उसी तरह से कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ उस तरह के भी सीन शूट होंगे और कहा जा रहा है कि 70% के ऊपर ये फिल्म शूट हो चुकी है, जो एक अच्छी खासी बात है। यानी कि ये भी हो सकता है कि सलमान खान अपने बर्थडे दिसंबर महीने में जो आने वाला है 28 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सिंसी बात गलत नहीं हूंगा इस पे, तो यहाँ पे सरप्राइज दे सकते हैं फैंस को। तो आप कितने खुश है, आई मीन ट्रेलर वगैरह टीजर कुछ तो रिलीज कर देंगे, फैंस को सरप्राइज देंगे, लेकिन ये शूटिंग बहुत ही जोरदार तरीके से चालू है, इतना मैं कह सकता हूं, और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चालू है। फोन अलाउड नहीं है भैया, बिना किसी परमिशन के एंट्री नहीं सेट्स पर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। यानी कि सलमान खान बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फिल्म के लिए। अदरवाइज कुछ फिल्म की चीजें अगर लीक हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं होती फिल्म के लिए। आई होप ये खबर से आपके चेहरे पर जरूर स्माइल आएगी और इसी तरह की और अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड क्रेजी। चलिए फिलहाल इतना ही।